नमस्कार, सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। आप देख रहे हैं देश की बात, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, याहू देश में अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो हर खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। धर्मनगरी अयोध्या के डॉक्टर सलीम की हत्या के इरादे से एकत्र चार बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद थर दबोचा है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक रिवॉल्वर, चार जिंदा कारतूस, एक पिस्टल बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस कार्रवाई को सूचना मिलने के बाद अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बिजनौर की चांदपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले मां और बेटे को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन दोनों मां और बेटे ने चांदपुर के रहने वाले एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लूटने का प्रयास किया था। असफल होने पर दोनों मां और बेटा थैला छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और पुलिस ने इनको आज गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस को अभी इनके गैंग की 3 अन्य सदस्यों की भी तलाश है। पकड़े गए मां और बेटे मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जिलों में लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। ये दिनांक 6 अगस्त को एक व्यक्ति बैंक से पैसे अपने निकाल के जा रहे थे, तो इस लड़के ने वो पैसे छीन करके और भागने का प्रयास किया। इस पर वो आदमी उलझ गया और आसपास लोग इकट्ठा हो गए, तो बैग छोड़ करके भाग गया। ये उसमें पूरे पैसे बरामद हो गए, लेकिन फिर इसको घेर करके पुलिस और जनता के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद से जो घटना प्रकाश में आई है वो ये आई है कि ये लोग मध्य प्रदेश के थाना बोडा, एक जगह है वहाँ पे, और उसमें जाटखेड़ी और कड़िया, ये दो गाँव हैं यहाँ के ये लोग हैं, और ये पूरा गाँव ही घूम घूम के इस तरह के पैसे छीनना और लूट का काम करता है। जो अभी तक बात प्रकाश में आई, बात मात्र इस लड़के के साथ और इसके एक साथी के साथ, इन्होंने अभी विगत 1 माह के अंदर 6 लूटे की हैं, जिसमें जनपद मुरादाबाद में किया, इन्होंने छजलहट में किया है, ठाकुर द्वारा में किया है, और साथ ही साथ ये उसके उत्तराखंड के भी कस्बा गदरपुर में किया इन्होंने। तो इस तरह से कई सारी घटनाएं इन्होंने रुद्रपुर, छजलहट, गदरपुर और मुरादाबाद में, कस्बा कांट में इन्होंने ये सारी घटनाएं की हैं, और हर जगह कहीं 1 लाख, कहीं 2.5 लाख, जिस तरह से जो पैसा निकलता था उसको ये छीन करके और भाग लेते थे। तो इसमें इनको जब पकड़ा गया और जब इनसे जानकारी की गई, तो पहले तो चूंकि लगा कि सब इस तरह से कोई गलत हो गया है, लेकिन जब पूरी छानबीन की गई तो इनके जहाँ जहाँ इन्होंने लूटे की थी उन जगहों पर बैंक में फुटेज जब निकाला गया, तो उन सभी की फ़ोटो वहाँ पर, तस्वीरें हैं वहाँ पर, और लोगों ने आकर के फिर इनको पहचाना, तो वहाँ के भी लूटों का पैसा इनसे बरामद हुआ है। और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया गैंग वर्कआउट हुआ है जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, और आकर के इन्होंने अपने एरिया बांट रखे हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये कि वहाँ से चल करके दिल्ली गाज़ियाबाद आते हैं, दिल्ली गाज़ियाबाद से फिर मुरादाबाद में स्टेशन करते हैं, और वहीं रुक करके ये आसपास के जगहों पर लूट करते हैं। तो इसी तरह के इनके कई गैंग्स हैं जो अलग अलग स्प्लिट ग्रुप्स हैं, कि कोई ग्रुप यहाँ पर है, कोई ग्रुप और जगह करता है। तो सारी सूचना इकट्ठी की जा रही है, और हम लोगों ने मध्य प्रदेश से भी संपर्क किया है, इनकी सारी सूचना इकट्ठी करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर और जो भी इनका गैंग रजिस्टर कराना है किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की विगत में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो वर्कआउट नहीं हुई थी। इनके पकड़े जाने के बाद से काफ़ी रोकथाम होगी, और इस कार्रवाई के लिए जो चांदपुर की टीम है उसको 5,000 रुपये का जवाब भी घोषित किया गया है मेरे द्वारा। लखीमपुर खीरी के निघासन खीरी में RSS कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें समस्त पदाधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में 15 अगस्त को निकाले जाने वाले तिरंगा यात्रा पर चर्चा की गई। बैठक में विनय जायसवाल ने तिरंगा यात्रा पर बातचीत की, और साथ ही बैठक में मौजूद लोगों को RSS के बारे में जानकारी दी। आपको इस संकल्प से कितनी आगे बढ़ अभी तक? तो हमारे साथ इस निघासन तहसील में करीब 55 युवा लोग जुड़ चुके हैं, 55-16, और तिरंगा यात्रा भी हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 500 मोटरसाइकिलों का तिरंगा यात्रा है, तिकुनिया होते हुए निघासन जाएगा। ये किस डेट में होगा? ये 15 अगस्त को प्रातः 8 बजे तिकुनी है, बेलना स्टेशन से निकलेगा। यहाँ पे सीमा जागरण मंच की बैठक थी जो RSS से चलाई जा रही है। ये संगठन तो RSS का पुराना संगठन है, मतलब सीमा जागरण मंच का संगठन। बिजनौर जनपद की थाना नगीना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों के खिलाफ जनपद सहित अन्य जिलों में अपराध के विभिन्न मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से एक विदेशी पिस्टल सहित एक अन्य तमंचा और कई कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस को इनके पास से एक बाइक भी बरामद हुई है। ये आपने आरोपी गिरफ्तार किए हैं, कहां से और किस मामले में गिरफ्तार किए हैं? अब से करीब दो महीने पहले जी जयपुर फार्म हाउस में मालिक हैं अक्षय कुमार सिंह, लाइसेंस जी लाइसेंस का मुकदमा लिखा हुआ था बराबर थाने पर। तो आज सुबह चेक पकड़े हैं शहजाद और आमिर, चुनाव की आहत को लेकर विपक्षी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। भिवानी पहुंची सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सरसों घोटाले को लेकर सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। किरण ने कहा कि अब लोग एक एक दिन भारी मानकर चुनाव में भाजपा के पलटवार का इंतजार कर रहे हैं। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने सबसे पहले प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाए और पलटवार करते हुए कहा कि आज किसी भी कार्यालय में बिना पैसे के कार्य नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भारती पर इतने बड़े आरोप लगाने के बाद भी उन्हें दोबारा नियुक्त कर मेहनत करने वाले युवाओं को नौकरी से वंचित करने वाली बात है। पूरे प्रदेश के अंदर लोग जो हैं भ्रष्टाचार से भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जो सरकार ये दावे करा करती थी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के, आज जो है हर वर्ग का जो आदमी है जो छोटे स्तर के ऊपर है वो इतना त्रस्त हो गया है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं अपना काम करवाऊँ। वैसे ही चपेट लग चुकी है नोटबंदी से, जीएसटी से, और फिर जो है दफ्तरों के अंदर जो है आप जानते हो दूसरे ढंग से जो है काम करवाने पड़ते हैं। नौकरियां जो हैं वो बैकडोर तरीके से दी जाती हैं, मेरिट की बात करते हैं, और इसका प्रमाण आप खुद देख सकते हो कि इतने बड़े आरोप लगे वो भट्टी साहब के ऊपर। सारी बातें हुई भारती साहब के ऊपर इतने बड़े एक एक आरोप लगे और फिर दोबारा से उनको रीइंस्टेट कर दिया गया, मतलब ये तो हद ही हो गई। हमारे नौजवान बच्चे जो नौकरियां के आवेदन कर रहे हैं, जो बीचे बेचारे जो हैं अपना पूरा पढ़ाई लिखाई करके ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ नौकरी मिल जाए। गरीब वर्ग का जो बच्चा है मेहनत से अपना काम करता है और आगे आके बैकडोर से उसका जो है सफाया हो जाता है, दूसरे लोग आ जाते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर जिनके ऊपर कम से कम जो ऐसे लोगों पे आरोप लगे हैं कम से कम उनको वहाँ पे तो नहीं बिठाना चाहिए, वहाँ से हटा के कहीं और ही रख देते हैं अगर इतने चाहते हैं। दलित नेता एवं गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने केंद्र सरकार पर संविधान एवं कानून की धज्जियां उड़ाने और दलित विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया है। मेवानी ने वाराणसी में आयोजित नव दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। इस दौरान मेवानी ने कहा कि अगर मायावती लोकसभा चुनाव में नेतृत्व करती हैं तो नरेंद्र मोदी की घर वापसी तय है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2019 में भाजपा के खिलाफ संभावित महागठबंधन का वह हिस्सा नहीं बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि जो पार्टियां संभावित महागठबंधन में शामिल हो रही हैं उनकी देश के विकास में कोई भूमिका नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में कराए जाने वाले विकास के कार्यों में रोड़े अटकाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा की सभी सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में वे किसी भी प्रकार के महागठबंधन या अन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे।
केजरीवाल ने दिल्ली के रुके हुए कामों के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनके हर उस कदम को रोका गया जो आम जनता की भलाई के लिए कहा था। केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता अरुण जेटली ने गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद आज पहली बार राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। वह सदन के उपसभापति के चुनाव में मतदान करने सदन में पहुंचे थे। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर जेटली ने जैसे ही सदन में प्रवेश किया तो पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाना शुरू कर दिया और उनका स्वागत किया। जेटली ने भी हाथ जोड़कर सदस्यों का अभिवादन किया। जेटली के पास वित्त और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है। जेटली के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वह दोनों मंत्रालय पीयूष गोयल संभाल रहे थे। सूत्रों के अनुसार जेटली 16 अगस्त से फिर वित्त मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे। केरल के मल्लापुर और इडुक्की जिले में पिछले 24 घंटों से जारी भारी बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाओं में 20 लोग दबकर मर गए हैं और 9 अन्य घायल हो गए हैं। इन हादसों के बाद 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मल्लापुर जिले के नीलामपुर में भूस्खलन की एक घटना में एक ही परिवार के 5 लोग जीवित दफन हो गए हैं। राज्य में हालात इतने भयंकर हो गए हैं कि कोचीन एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जहां दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय काफी सतर्क है। पीएम मोदी जब लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो इस दौरान उनकी सुरक्षा में जहां एसपीजी और लोकल पुलिस होगी, वहीं इस बार पुलिस का विमेन स्क्वाड पुलिस कमांडो का दस्ता भी वहां पर मौजूद होगा। बता दें कि दिल्ली पुलिस का यह कमांडो दस्ता देश के किसी भी स्टेट पुलिस में पहला दस्ता होगा। पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की देखरेख में बनाए गए इस विशेष दस्ते में 36 विमेन कांस्टेबल हैं। इनको करीब 15 महीने तक सख्त ट्रेनिंग दी गई है। आमतौर पर कमांडो ट्रेनिंग 12 महीने की होती है, लेकिन विमेन स्क्वाड कमांडो को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जो कि मेल कमांडो से भी ज्यादा असरदार और ट्रेंड है।